Hello students, I welcome you all to another session of the Hindu editorial vocabulary for July the 27th. Aap sabhi ka swagat hai is session mein. Before I start, bata dun, for people who are new, please ensure that you join my Telegram group. This is the ID, you can scan this QR code to join. Link is there in the description box below as well. Agar aap join karte ho, to aapko PDF mil jayenge mere sabhi sessions ke. Okay, jo वोकैब के सेशंस होते हैं उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे ग्रुप में. तो पीडीएफ को डाउनलोड करके आप रेगुलरली रिवाइज कर सकते हो सेशंस को और वोकैब को. सो कल जो मैंने डिफरेंस पूछा था आपसे, द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल, ओके, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना. हिस्टोरिक एक एडजेक्टिव है विच मीन्स फेमस और इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री और पोटेंशियली सो. कोई चीज़ जो फेमस हो या इम्पॉर्टेंट हो हिस्ट्री में, ओके, सो हम कहते हैं हिस्टोरिक. हिंदी में इतिहास में प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण या संभवतः ऐसा, जो चीज़ इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो या महत्वपूर्ण हो उसको आप हिस्टोरिक कहते हो. सेंटेंस ऐसे किया जा सकता है, इट लिखा जा सकता है, इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट व्हेन नील आर्मस्ट्रांग स्टेप्ड ऑन टू द मून. जब नील आर्मस्ट्रांग मून में पहले व्यक्ति जो थे वो मून में जाने वाले, वह एक हिस्टोरिक मोमेंट था, हिस्टोरिक पल था. दैट्स द मीनिंग, विच वॉज फेमस और इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री. वहीं अगर मैं हिस्टोरिकल कहूँ, हिस्टोरिकल भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसका मतलब होता है दैट रियली लिव्ड और हैपेंड कनेक्टेड विथ रियल पीपल और इवेंट्स इन द पास्ट. जो रियल पीपल या रियल इवेंट्स, रियल एनिमल्स के साथ ऐसे रिलेटेड हो तो वह हिस्टोरिकल होता है. वास्तविक भौतिक अस्तित्व वाला, इतिहास से संबंधित. जैसे देर इज लॉट टू बी लर्न फ्रॉम आर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज. हमारे हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, ऐतिहासिक पर्सनैलिटीज से बहुत कुछ सीखने को हमें है, बहुत कुछ सीख सकते हैं. दैट्स द मीनिंग. Now, आते हैं आज का पहला वर्ड है ओवरहॉल, जो कि एक वर्ब नाउन दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है. सेंटेंस में नाउन के तरह यूज किया जा गया था. ओवरहॉल मीन्स टू लुक एट समथिंग केयरफुली एंड चेंज और रिपेयर इफ नेसेसरी. किसी चीज को ध्यान से देखना और अगर जरूरी है तो उसकी मरम्मत करना, रिपेयर करना या चेंज करना, दैट इज ओवरहॉल. हिंदी में पूरी जांच और मरम्मत को ओवरहॉल कहते हैं. सेंटेंस था, बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल्स राइट विंग प्राइम मिनिस्टर, स्कोर्ड लेजिस्लेटिव विक्ट्री ऑन मंडे व्हेन हिज कोलिशन मतलब गठबंधन, दे पास्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज जुडिशियल ओवरहॉल प्लान इन नेसेट बट एट अ ग्रेट कॉस्ट. उन्होंने एक जुडिशियल ओवरहॉल प्लान पास किया, बेंजामिन नेतन्याहू ने, इसराइल में अपने कोलिशन गठबंधन के साथ एक जुडिशियल, ऐसी एक जुडिशियल चीज़ों को मतलब अपन चेंज किया, एक प्रकार से कई सारे चेंजेस लाए अपने जुडिशियल सिस्टम के अंदर, बट एट अ ग्रेट कॉस्ट. बट एट अ ग्रेट कॉस्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें उनको टॉलरेट भी करना पड़ा, झेलना पड़ा. सिनोनिम्स ऑफ ओवरहॉल आर रीडिजाइनिंग, रिवैम्पिंग, रिवाइजिंग, ओके, मॉडिफाइंग, किसी चीज़ को करेक्ट करना, ठीक करना, तो दैट इज ओवरहॉल. एंटनिम्स डिस्ट्रक्शन, डैमेज और रूइन, ये सारे एंटनिम्स हो सकते हैं फॉर द वर्ड ओवरहॉल. ओके, अगला वर्ड जो आज का है दैट इज ऑर्थोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स एक एडजेक्टिव है विच मीन्स ऑफ बिलीव्स, आइडियाज और एक्टिविटीज कंसिडर्ड ट्रेडिशनल, नॉर्मल एंड एक्सेप्टेड बाई मोस्ट पीपल. ऐसी कोई मान्यता, आइडिया या ओपिनियन, ऐसी कोई हरकत जिसे ट्रेडिशनल माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है और बहुत लोग उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, दैट इज ऑर्थोडॉक्स. हिंदी में रूढ़िवादी कह सकते हो, दैट इज ऑर्थोडॉक्स इन हिंदी. सेंटेंस था, हिज कॉलिशन ऑफ राइट विंग एंड अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी सेज द लेजिस्लेशन which would take away the Supreme Court's ability to review the government's unreasonable decisions is to bring a balance between government and judiciary. मतलब his coalition of right wing के coalition के साथ जो उन्होंने ultra orthodox parties थे, जो बहुत ही ज़्यादा traditional चीज़ों पे believe करते थे, उन्होंने जो changes किए हैं judicial system और powers में, उसे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का एबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो हट जाएगा,
कि वह गवर्नमेंट्स के अनरीजनेबल डिसीशंस को अब कुछ नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का पावर ही नहीं होगा कि गवर्नमेंट के अनरीजनेबल डिसीशंस को के बारे में कुछ बोल सके, उसे चेंज कर सके या रोक सके, कोई सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं रह जाएगा। और वो कह रही है ये इसलिए किया है ताकि बैलेंस बन सके गवर्नमेंट और जुडिशरी में। जब जुडिशरी कुछ बोल ही नहीं पाएगा गवर्नमेंट डिसीजन में तो बैलेंस कहाँ से बनेगा, ये उनका कहना है जिन्होंने ये चेंजेस लाए हैं, जिसका मतलब है बेंजामिन नेतन्याहू और उनके राइट विंग वाले कोलिशन पार्टीज। ऑर्थोडॉक्स के सिनोनिम है ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल, ओके, कस्टमरी जिसे कहते हैं, ये सारे ऑर्थोडॉक्स। एंटोनिम होगा लिबरल, प्रोग्रेसिव, नॉन ट्रेडिशनल। लिबरल, प्रोग्रेसिव, नॉन ट्रेडिशनल, ये सारे एंटोनिम्स होंगे फॉर द वर्ड ऑर्थोडॉक्स। नाउ अगला वर्ड जो है आज का, दैट इज डिटीरियोरेट, जो कि एक वर्ब है विच मीन्स टू बिकम वर्स, कोई चीज और भी ज्यादा खराब हो जाना, दैट इज डिटीरियोरेट, मीन्स टू बिकम वर्स और वर्सन। हिंदी में स्थिति का बिगड़ना, बदतर होना, उसको हम कहते हैं डिटीरियोरेट। सेंटेंस था मिस्टर नेतन्याहू अलाइज, मतलब उनके साथ वाले पार्टीज वॉन्ट टू फिक्स दिस कॉन्ट्रडिक्शन थ्रू द जुडिशियल ओवरहॉल। ये चीजों को ये फिक्स करना चाहते हैं जुडिशियल का, पूरी तरीके से उसको एक फेर बदल करके उसमें चेंजेस लाके। बट द प्रॉब्लम इज दैट ब्रिंगिंग द जुडिशरी, द ओनली पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेक ऑन द गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल कुड कॉज द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल बैलेंस इन इजराइल्स पॉलिटी टू डिटीरियोरेट, especially when far right parties are on the ascent। कह रहा है अगर जुडिशरी को भी गवर्नमेंट के अंडर ही ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल बैलेंस जो है, डेमोक्रेटिक बैलेंस आप जानते हो, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, आपके अलग अलग पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं, उसमें कोई बैलेंस ही नहीं रह जाएगा, एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस रख ही नहीं पाएंगे अगर जुडिशरी गवर्नमेंट के अंडर आ गया तो। ऐसे में इसराइल का पॉलिटी और भी बद से बदतर हो सकता है, especially when far right parties are on the ascent। ज्यादातर right wing parties जो हैं धीरे धीरे वहां पे वो develop कर रही हैं, progress कर रही हैं। deteriorate के synonym होंगे worsen, crumble, decline, okay? बर्बाद हो जाना, धीरे धीरे खराब हो जाना। antonyms हो जाएंगे improve, ameliorate, upgrade, थोड़े धीरे धीरे बेहतर होना, ये सारे इसके antonyms हैं for the word deteriorate। अगला वर्ड जो आज का है दैट इज सब्जुगेशन। सब्जुगेशन एक नाउन है, सब्जुगेशन इज अ नाउन विच मीन्स द एक्ट ऑफ डिफीटिंग पीपल और अ कंट्री एंड रूलिंग देम इन अ वे दैट अलाउज देम नो फ्रीडम। ओके, लोगों को हरा देना, पीपल को, किसी स्पेसिफिक कंट्री को, और इस तरह से रूल करना कि उनका कोई फ्रीडम बचे ही ना, दैट इज सब्जुगेशन। किसी को अपने अधीन लाना और उसको बंधक या गुलाम बना के रखना, दैट इज सब्जुगेशन। सेंटेंस है फॉर द फार राइट पार्टीज इन द रूलिंग कोलिशन, जो फार राइट पार्टीज हैं जो रूलिंग कोलिशन गठबंधन के साथ हैं, कर्टेलिंग द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज द ऑब्वियस वे टू एक्सपेडिट इजराइल्स ट्रांसफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को अपने अधीन ले आना, कंट्रोल में ले आना, वो एक क्लियर वे की है कि इजराइल के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत तेजी ले आए, एक्सपेडिट मतलब तेजी ले आए, एंड द सब्जुगेशन ऑफ द पैलेस्टीनियंस, और पैलेस्टीनियंस को अपने अधीन रखे, गुलाम बना के रखे, उनमें खूब क्रूरता वगैरह कर सकते हैं, ये हो सकता है। सो दैट्स द मीनिंग। नाउ सब्जुगेशन के सिनोनिम होंगे कॉन्क्वेस्ट, डोमिनेशन, सब्जेक्शन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसी को अपने अधीन लाके कंट्रोल में करना। एंटोनिम्स हो जाएंगे लिबरेशन, रिलीज, इमेंसिपेशन, सबका मतलब ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे किसी को फ्री कर देना, ये सारे एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड सब्जुगेशन। नाउ अगला वर्ड जो है दैट इज अनरीजनेबल। अनरीजनेबल वर्ब नहीं है, दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक कर देता हूं, जस्ट अ मिनट गाइस। ये अनरीजनेबल जो है दैट इज एन एडजेक्टिव। चलो बहुत बढ़िया, अनरीजनेबल इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स अनफेयर, एक्सपेक्टिंग टू मच। हिंदी में अनुचित, असंगत, बहुत अधिक आशा करते हुए, दैट इज अनरीजनेबल, जो चीज अनुचित हो। सेंटेंस है विद द न्यू लेजिस्लेशन द गवर्नमेंट्स एक्शंस कैन नॉट बी नलिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड दैट दे वर अनरीजनेबल।
इस लेजिस्लेशन के आने के बाद गवर्नमेंट जो मर्जी एक्शन करे और जो मर्जी एक्शन ले, जो मर्जी मनमानी करे, उसको सुप्रीम कोर्ट नलिफाई नहीं कर सकती, मतलब कैंसिल नहीं कर सकती, रिवोक नहीं कर सकती, ये बोल के कि ये कदम जो गवर्नमेंट उठा रही है वो अनरीजनेबल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर ही नहीं रहेगा इसराइल में। दैट्स द मीनिंग। सिनोनिम्स अनरीजनेबल क्यों होंगे? इरेशनल, अनवारंटेड, अनफाउंडेड। इरेशनल, अनवारंटेड, अनफाउंडेड, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स हो जाएंगे रीजनेबल, जस्टिफाइड और वैलिड, जो चीज उचित हो वो सारे इसके एंटोनिम्स हैं, रीजनेबल, जस्टिफाइड और वैलिड। सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो डू एंश्योर दैट यू डाउनलोड दिस, सॉरी ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर सो दैट यू कैन रिवाइज। नो आज जो कमेंट करके आप टू को डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन डेजर्ट विद अ सिंगल एस एंड डेजर्ट विद अ डबल एस, दोनों में फर्क बताना है। कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वोकैब सेशन। ओके, इसके अलावा सभी फैकल्टीज हमारे यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में, उनके अलग अलग टाइमिंग्स पे सेशंस आते हैं। प्लीज एंश्योर दैट यू वॉच ऑल दीज सेशंस। मैं आता हूँ सुबह 9 बजे आपके सेशन लेके वो कैब शो, और शाम में 6 बजे प्रैक्टिस सेशंस फॉर CDS AFCAT CAPF इंग्लिश के लिए। बाकी सभी के टाइमिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। यू हैव अ कंप्लीट, यू गेट अ कंप्लीट पैकेज ओवर हियर। इसके अलावा पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CDS AFCAT एंड CAPF एग्जाम्स, आप सभी को बता दूं, आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन परचेज द पेड कोर्सेज। पेड कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, और कूपन कोड जोश यूज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। ओके, सो दैट वॉज इट इन दिस सेशन। होप यू एंजॉयड एंड लर्न फ्रॉम इट। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।